एक्शन वो वर्ड है ना जो सुनते ही लोग क्रेजी हो जाते हैं। इस दुनिया में रोज कई शोज मूवीज के साथ साथ एनिमेस आ रहे हैं, लेकिन इन सारे एनिमेस का जॉनर ना बिल्कुल अलग अलग है। लाइक कुछ एडवेंचर पे बेस्ड है, कुछ स्पोर्ट्स, कुछ स्लाइस ऑफ लाइफ एंड और भी बहुत सारे। लेकिन आज हम बात करेंगे उनमें से एक स्पेशल जॉनर की जिसे कहते हैं एक्शन। एक्शन ना एनिमे की वो कैटेगरी है जिसका नाम सुनते ही फैंस पागल हो जाते हैं, और एनिमे देखने वाले मैक्सिमम लोगों को एक्शन तो चाहिए ही चाहिए। तो इसी नोट पर आज हम लाए हैं 10 ऐसे कमाल के एक्शन शोज जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ एनिमे की दुनिया की कुछ बेमिसाल एक्शन को देखने के लिए। हमारे पहले एनिमे में फ्यूचरिस्टिक के साथ साथ फिक्शनल एक्शन को दिखाया गया है। 9.1 IMDb रेटिंग के साथ 4 सीजन 2013 में डिज्नी प्लस पर आई अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसे वर्ल्ड पर बेस्ड है जहां ह्यूमंस को खाने वाले विशाल टाइटन्स रहते हैं और ये अक्सर ह्यूमंस पर अटैक करते रहते हैं। स्टोरी फॉलो करती है एरन एंगर नाम के प्रोटैगनिस्ट को जिसकी माँ एक टाइटन के द्वारा मर जाती है, और एरन एंगर प्रण लेता है इन सारे टाइटन्स को मारने का। रोटेन टोमेटो पर 95% रेटिंग के साथ ये शो हॉरर ड्रामा डार्क फैंटसी के साथ साथ जी फाड़ एक्शन को दिखाता है। बीपॉप नाम के एक स्पेसशिप में एक बाउंटी हंटर और उसके स्किल्ड साथियों का ग्रुप बाउंटीज और एनिमी को पकड़ने पूरे सोलर सिस्टम में रोमांच पर निकल पड़ते हैं। 8.9 IMDb के साथ एक सीजन नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल काउबॉय बीपॉप। कमाल का ड्रामा, म्यूजिक और बढ़िया एनिमेशन के साथ स्पेस वाला एक्शन शो लिटरली कमाल का है। हालांकि इस एनिमे का सिर्फ एक सीजन टोटल 12 एपिसोड के साथ है और इसकी एंडिंग भी उतनी कुछ कमाल की नहीं है, तो फैंस की बहुत ज्यादा डिमांड है सीजन 2 को लेकर, लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं। 8.7 IMDb रेटिंग के साथ 2 सीजन 2015 में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल वन पंच मैन। अब जैसा शो का नाम है वैसा ही शो के मेन प्रोटैगनिस्ट साइतामा AKA वन पंच का काम भी है, यानी सिर्फ एक पंच और काम खत्म। इस शो का ड्रामा, कॉमेडी, डार्क ह्यूमर सब अच्छा है, बट इसका एक्शन तो अलग ही लेवल पर है। साइतामा यानी वन पंच मैन का सुपर हीरो बनने का कोई खास गोल तो नहीं होता है, बट पूरे प्लेनेट का, पूरे यूनिवर्स पर इसके टक्कर में कोई है ही नहीं। 8.2 IMDb रेटिंग के साथ 2004 में आई टोटल 16 सीजन के साथ जिसमें कुल 366 एपिसोड्स हैं नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल ब्लीच। एक नॉर्मल हाई स्कूलर बच्चा इचिगो कुरोसाकी जिसके पास एबिलिटी है गोस्ट को देखने की, जो कि सोल रिपर्स की पावर को गेन करके इस दुनिया को बचाने निकल जाता है। अब क्योंकि यह शो 2004 में आया था इसलिए एनिमेशन क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन आगे चलकर एपिसोड्स की एनिमेशन क्वालिटी कमाल की हो जाती है। एक ऐसी ड्रामा सीरीज जो कि एडवेंचर के साथ साथ फिक्शनल एक्शन को एक्सप्लोर करती है। 8.4 IMDb रेटिंग के साथ 5 सीजन 2012 में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल जोजोस बिजार्ड एडवेंचर। जोनाथन जो स्टार AKA जोजो की लड़ाई अपने ही स्टेप ब्रदर यानी डियो से हो जाती है। एक के बाद एक जबरदस्त एक्शन सीन्स के साथ साथ अजीब और गरीब कैरेक्टर्स और कमाल का एडवेंचर इस शो को यूनिक बनाता है। पैरानॉर्मल, कॉमेडी, एडवेंचर, फैंटेसी और आउटस्टैंडिंग एक्शन के साथ साथ मिलकर बनी यह सीरीज 100% रिकमेंडेड है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड आइकॉनिक मांगा पर बेस्ड हमारा अगला एनिमे 6.8 IMDb रेटिंग के साथ 2 सीजन 2015 में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल बजार्क। बजार्क का प्लॉट बहुत ऑसम है, लेकिन एनिमेशन क्वालिटी और ऑकवर्ड कैमरा एंगल्स शो की रेटिंग को गिराते हैं। लेकिन इसके रेटिंग पे मत जाओ, इस शो का एक्शन की बात करें ना तो भाई साहब ये शो अलग ही लेवल पर खेलता है, लिटरली गूज़बम्प्स और मजा ही आ जाता है। शो का प्रोटैगनिस्ट कमाल का शॉट्समैन है और इसकी स्किल्स देखे तुम्हें लिटरली पागल हो जाओगे, और इसकी जर्नी भी बहुत ही कड़क है। 7.8 IMDb रेटिंग के साथ 3 सीजन 2014 में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल टोक्यो घोल। जब पूरी टोक्यो सिटी घोल से भर जाती है और इन घोल्स जो कि ह्यूमंस की तरह दिखते हैं, इन्हें खाने के लिए ह्यूमन फ्लेश चाहिए जिसके कारण रोज कई ह्यूमंस की मौत हो जाती है, और उन्हीं में से एक ऐसा टोक्यो कॉलेज का स्टूडेंट जिस पर घोल द्वारा अटैक हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह से बच जाता है और बन जाता है हाफ घोल।
डार्क फैंटेसी पर बेस्ड इस शो में कमाल का एक्शन भी दिखाया गया है। 9.1 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 6 सीजन 2011 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हंटर एक्स हंटर। एक्शंस की बात हो और हंटर एक्स हंटर की बात ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है। हंटर एक्स हंटर जिसे हंटर हंटर भी कहते हैं, इसमें गॉन के एडवेंचर को दिखाया गया है। गॉन अपने फादर की तरह एक हंटर बनना चाहता है, जिसके लिए वह एक मिशन पर निकलता है और खुद को ट्रेन करता है। इसकी सक्सेस के पीछे इसका यूनिक प्लॉट के साथ साथ इसका एक्साइटिंग एक्शन का भी हाथ है। 2020 की सबसे बेस्ट एनिमे सीरीज, कमाल का प्लॉट और गॉड लेवल एक्शन सीन्स। 8.6 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 1 सीजन नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल जुजुत्सु काइसेन। यूजी इटाडोरी जो कि एक्सेस कर सकता है सुगुना की पावर्स को, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वह क्योंकि बहुत काइंड हार्टेड है तो उससे किसी को भी खतरा नहीं होता है। अगर बात करें इसके एनिमेशंस, कैरेक्टर डिजाइन और कॉमेडी टाइमिंग की तो ये तो सब टॉप टियर ही है। लेकिन इसके एक्शंस को अगर एक्सप्लेन करना हो और वो भी सिर्फ एक वर्ड में, तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं गॉड लेवल। इसका सेकंड सीजन 2023 में आने वाला है, तो इस एक्शन से भरी जबरदस्त शो को गलती से भी मिस मत करना। 8.7 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2004 में 75 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मॉन्स्टर। एक ब्रिलियंट न्यूरोसर्जन जब एक साइकोपैथिक फॉर्मर पेशेंट से मिलता है तो उसके जीवन में पूरी तरह से उथल पुथल मच जाता है। स्टोरी का प्लॉट बहुत ऑसम है, साथ ही साथ म्यूजिक भी। एनिमेशन थोड़ा पुराना है लेकिन अच्छा है, खराब नहीं। और शुरू के कुछ एपिसोड्स में एक्शन उतने नहीं है, बट जब एक बार सीरीज अपनी पेस पकड़ लेती है ना, तो एक के बाद एक कमाल के एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं। सो पूरी तरह से वर्थ वॉचिंग है, गलती से भी मिस मत करना है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। ये रहे हमारे कमाल के टॉप 10 एक्शन शोज। ये सारे शोज पूरी तरीके से इंग्लिश में डब हैं और ये सारे शोज नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम तो है ही। बियॉन्ड इमेजिनेशन सीरीज को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दाते बायो।